आज की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है मेरे क्लाइंट अभिषेक की, जिन्होंने 28 किलो लूज किया है एंड उसके साथ साथ बेली फैट में ह्यूज डिफरेंस नजर आई जब मैंने उनके डाइट में इन दोनों डिटॉक्स वाटर को ऐड किया था। ये दोनों डिटॉक्स वाटर स्पेशली फॉर समर एंड मानसून। आज मैं आप लोगों के साथ इन दो डिटॉक्स वाटर की रेसिपी को शेयर करूंगी, उसके साथ साथ कब इसको लेना है, कैसे लेना है, उसके साथ साथ क्या डाइट लेना है, सारी चीज़ें शेयर करूंगी। सो हेलो एवरीवन, यू वार्म वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम डाइटिशियन शुक्ला, शेयरिंग ऑल द रिलेटेड हेल्दी टिप्स, डाइट रिलेटेड टिप्स, स्किन केयर एंड हेयर टिप्स। तो फ्रेंड्स, इन दोनों डिटॉक्स वाटर सिर्फ आपके वेट लॉस एंड बेली फैट लॉस में ही हेल्प नहीं करेगी, बल्कि उसके साथ साथ समर में होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम को, गट रिलेटेड प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी। तो इसको बनाने के लिए, पहले जो डिटॉक्स वाटर है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ मैंगो। मार्केट में अभी भी रॉ मैंगो मिल रही है आसानी से, तो आपको लेना है एंड अच्छे से ये रॉ मैंगो या फिर जो राइप मैंगो होती है उसको अच्छे से सॉल्ट वाटर से या फिर कोई भी भेजी वाश से आपको अच्छे से वाश करना है, ताकि इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड या केमिकल होती है उसको वो ना रहे, उसको निकालना है। देन इसकी हाफ ही लेना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है एंड क्वांटिटी आप देख लीजिए एंड इसके अंदर जो सीड्स है उसको हमें निकालना है। इसके बाद ये जो मैंगो है इसको ग्रेट करना है। मैंगो हमें वेट लॉस में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि मैंगो में होती है बहुत सारे डाइटरी फाइबर, जिसके कारण से ये हमारे वेट लॉस में, बेली फैट लॉस में हेल्प करती है एंड हमारी जो हंगर की क्रेविंग होती है तो इसको ये कील करती है, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगने देती है। तो जैसे कि मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, उसके बाद आपको लेना है जिंजर। जिंजर को भी आपको ग्रेट कर लेना है। ये जिंजर हमारी स्टोमक में जो स्टोमक एक होती है उसको ठीक करती है, जिसको जिसकी स्टोमक में गैस्ट्रेटिक जूस जो निकलती है वो ठीक से नहीं निकलती, जिसके कारण से एसिडिटी, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो उसको क्योर करने में हेल्प करती है। उसके बाद हमें लेना है एक लेमन फुल जूस आपको ऐड करना है एंड 1 लेमन की स्लाइस आपको यहाँ पर ऐड करना है। मैंने ग्लास का जार लिया है, हमेशा ही कोशिश करना ग्लास के जार में ही बनाना। अगर आपको इसको बाहर ले जाना है तो भी यूज़ करना ग्लास की कोई भी बॉटल यूज़ करना एंड इसमें हमें सारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालना है। ग्रेटेड किया हुआ जिंजर, ग्रेटेड किया हुआ मैंगोज एंड उसके बाद लेमन स्लाइस, 1 लेमन जूस। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये बहुत हेल्प करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम रहती है तो आपको फ्लैट टमी कभी भी नहीं मिलेगी। तो जिसका भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो इसको ज़रूर अपने डाइट में ऐड कीजिए। मैंने भी ट्राई किया है, ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को क्योर करने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद इसमें ऐड करना है मिंट लीव्स, एक मुट्ठी भर पुदीना के पत्ता आपको मिक्स करना है। इसको बनाकर 2-3 घंटों के लिए छोड़ दीजिए एंड उसके बाद आप इसको पी सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में 7 बजे तक बना लेते हो तो 3-4 PM तक आपको इसको ख़त्म करना है एंड अगर आप 9 PM में इसको बनाते हो मॉर्निंग में तो आपको 5-5:30 तक इसको ख़त्म करना है। पूरे दिन में सिप करके लेना है, एक बार में ही, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। जिनको भी 2-3 दिनों से स्टूल पास नहीं हुआ है ठीक से, वो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए एंड मुझे आकर ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिली है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं हमारा दूसरा यम्मी डिटॉक्स वाटर। ये डिटॉक्स वाटर तो बहुत ही यम्मी है, जिनको भी डिटॉक्स वाटर पीने की मन नहीं करता, वो नहीं पी सकते हैं ऐसा बोलते हैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो उनको भी ये डिटॉक्स वाटर इतना यम्मी एंड टेस्टी लगेगी कि वो खुशी खुशी पी जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पका हुआ मैंगो लिया है एंड उनको भी अच्छे से आपको वॉश करना है, जैसे कि मैंने बताया है, ताकि पेस्टिसाइड या फिर केमिकल कुछ भी ना रहे उसके पील में, क्योंकि यहाँ पर मैं उसकी पील को यूज़ करूँगी एंड आपको ऐसे उसकी पील को निकाल लेना है। थोड़ा थोड़ा पाल पकड़ रहती है तो बहुत ही अच्छा है टेस्टी में भी एंड इसकी बहुत सारा फ़ायदा भी है, तो वो आपको ले लेना है। मैंगो की पील में बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होती है एंड उसके साथ साथ होती है बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए सी,
जिसके कारण से ये हमारी बहुत हद तक जो बेली फैट है, हमारी बेली में जो साइड फैट होती है उसको कील करने में हेल्प करती है। एंड अलग से जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, वो तो ख़त्म करते ही है। यहाँ पर हमें स्लाइस किया हुआ जिंजर लेना है, यहाँ पर भी हमें लेना है होल एक लेमन जूस एंड उसके साथ साथ एक लेमन की स्लाइस। देन इन सारे चीज़ को 1 लीटर वाटर में आपको मिक्स करना है। समर के लिए पुदीने के जो पत्ते होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होती है, एक कूलिंग इफेक्ट देती है हमारे बॉडी को एंड गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करती है। 1 लीटर वाटर में सारी चीज़ को हमें मिक्स करना है। इन दोनों डिटॉक्स वाटर को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो फॉर 30 डेज, ऑल्टरनेटिव करके भी आप ऐड कर सकते हो या फिर 30 डेज करके भी आप ले सकते हो। इन दोनों डिटॉक्स वाटर के साथ आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, आपकी बॉडी की वेट वाइज आपको कैलोरीज इंटेक करना है ताकि कोई भी ज़्यादा कैलोरी ना जाए। अगर आप चाहते हो कि 15 डेज में ही आपको फ्लैट वैली चाहिए तो उसके लिए आपके कैलोरीज के हिसाब से ही आपको डाइट लेना है। बाहर का कोई भी खाना नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि इन दोनों डिटॉक्स वाटर को आप ऐड करेंगे एंड उसके साथ साथ बाहर की कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपकी वेट लॉस हो जाएगी एंड आपकी टमी भी फ्लैट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने डाइट की तरफ ध्यान देना है। अगर आप कोई भी वेट लॉस डाइट में हो तो उसके साथ साथ इन दोनों डिटॉक्स वाटर को आप ऐड करके ज़रूर देखिए, आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगी। फ्लैट बेली तो आपको मिलेगी ही। तो देखिए ये डिटॉक्स वाटर भी रेडी हो गई है। इन डिटॉक्स वाटर को भी आपको वैसे ही लेना है, सुबह 7 बजे बनाइए एंड पूरे शाम तक ख़त्म कीजिए, नहीं तो समर में बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, कारण से गर्मी के कारण से ये ख़राब हो सकती है, तो ज़्यादा देर तक आपको नहीं रखना है। उसके साथ साथ आप नॉर्मल वाटर का भी इंटेक कीजिए 2-2.5 लीटर तक। सो फ्रेंड्स, इसको अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए एंड आगे मैं अभिषेक की डाइट भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि उनको हाइपोथायराइड था तो उनकी डाइट टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले। एंड अगर आपको ऐसी हेल्दी डाइट रिलेटेड टिप्स, स्किन केयर रिलेटेड टिप्स एंड हेयर केयर रिलेटेड टिप्स चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड आज की ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, आपकी लाइक मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए टाटा।